आज मेरे साथ हैं दो ऐसी ब्यूटी पैजेंट विनर्स जिन्होंने अपनी सुंदरता से पूरी दुनिया को सजाया। दोनों ने 70s में पहना मिस इंडिया का ताज, दोनों ने 70s और 80s में किया दिलों पर राज। इनको अपने साथ लॉन्च करना चाहते थे शशि कपूर जी और इनको अपने साथ लॉन्च करना चाहते थे और किया द देव आनंद जी ने। इनकी जोड़ी बेटे सनी देओल के साथ एकदम हिट थी तो इनकी जोड़ी पापा धर्म जी के साथ। ये दोनों आज तक एक ही फिल्म में साथ आई हैं और वो फिल्म थी सोनी माहिवाल। पर आज ये दोनों एक बार फिर साथ आई हैं सोनी टीवी पर और इस एपिसोड का नाम है सोनी में बवाल। Presenting the two all-time beauties of Indian cinema, Poonam Dhillon and Zini Baby Urf Zeenat Aman ji. Idol पर पहली बार Zini Baby and Pooni Baby एक साथ। Zeenat ji, actually मैंने आपको भी कभी नहीं बताया। जब हम लोग स्कूल में थे, she was the ultimate girl crush जो होता है ना। उस टाइम पे ये टर्म ही नहीं था गर्ल क्रश, बट आज मैं समझती हूँ कि व्हेन यू आर सो फैसिनेटेड कि आप किसी एक स्टार जैसा बनना चाहती हैं, उस जैसे बाल बनाना चाहते हैं, उन जैसा स्टाइल करना चाहती हैं। शी वॉज वन ऑफ हर टाइप एंड अ ट्रेंड सेटर फॉर हर टाइम्स। थैंक यू डियर। इफ यू एवर लुक एट सोनी महिवाल एंड यू सी पूनम धिल्लन, you will be in love with her. Absolutely, absolutely. So nice to be here with you, Poonam. Absolutely lovely to be here with the Zeenat Aman ji. The one and only. Absolutely. एक बार जोरदार तालियां पूनम जी और ज़ीनत जी। आज जजेस के स्कोर्स और आपके 2 हफ्तों के प्रचंड वोट्स के मुताबिक हमें मिलेंगे टॉप 8। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो। पास है तू, एहसास है तू, कोई ख्वाब है परछाई है सतरंगी रे। है तू एहसास है तू, कोई ख्वाब है परछाई है सतरंगी रे। कुछ ऐसे छुआ हल्का हल्का उनस हुआ, हल्का हल्का उनस हुआ, दिल को महसूस हुआ तू ही तू, जीने की सारी खुशबू तू ही तू, आरज़ू आरज़ू छूती है मुझे सरगोशी से, आंखों में खुली खामोशी से, मैं फर्श पे सजते करता हूँ कुछ होश में कुछ बेहोशी में। क्या बात है विनीत, आप बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर हैं ऑनेस्टली, एंड आई एम सो प्राउड टू बी एबल टू हियर यू यंग सिंगर्स लाइव। विनीत, जब आप दूसरा गाना खास तौर पे इतनी वेरिएशंस और इतना हाई और इतना इमोशन कर रहे थे, आई कुंट रिजिस्ट टेलिंग हिम कितना मुश्किल गाना है ये जो गा रहे हैं, पर आपने एंड तक उसे पकड़ के निभाया। थैंक यू मैम, थैंक यू। सतरंगी में कुछ हरकतें ऐसी थी जो सिर्फ एक लेजेंड ही ले सकता है, वो तुमने साबित कर दिया तुम किस लेवल के सिंगर हो, बिकॉज ये बहुत मुश्किल जगहें जो सोनू निगम ने ली हैं वो फैबुलस, और उस गाने को इस लेवल पर लाइव परफॉर्मेंस में एक ही टेक में निभा जाना बहुत बड़ी बात है विनीत, फैंटास्टिक। जजेस, विनीत की परफॉर्मेंस पर स्कोर दीजिए प्लीज। थैंक यू विनीत। और अब काव्या लिमाए और उनको बहन बनाने वाले चिराग कोटवाल। झूठ नहीं है मेरा प्यार। आंखों में तुम देखो, इनमें हर एक अदा तुम्हारी है। कहने को ये दिल है मेरा, लेकिन धड़कन में सदा तुम्हारी है। तुमसे है चैन मेरा, तुमसे है मेरा करार। जजेस, ये एक नॉन कंपेटिटिव परफॉर्मेंस था। दीवाने से हो गई गलती, जाने तो यार। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। चिराग, सच बता, जब आंटी पास आई तू फूल निकाल रहा था ना जेब से? दे दे यार, दे दे, चल दे दे। घुटना टेक के देना बाबा। मेरी सोनी, मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार। दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार। I love you, I love you, I love you। तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, जो अपने बाबा के कदमों पर बिछा देना चाहती है दुनिया का हर जॉय, देबोश्मिता रॉय। out there. Standing ovation by the judges, contestants, audience. क्या गाने हैं, क्या फिल्म है पूनम जी. कमाल, कमाल कर दिया आप. पहली फिल्म आप दोनों की एक साथ और क्या गाना. My goodness, मतलब दोनों गाने. मैं एक चीज़ आज रियलाइज़ की कि गाना जब बजता है तो समझ में आता है उसका इंटरल्यूड म्यूज़िक, उसका मुखड़ा, उसका कहीं भी एक छोटा सा बिट गाने का जब प्ले करे तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है ये कौन सा गाना है. ऐसे मेमोरेबल गाने हैं ये दोनों. ज़ीनत जी, दिस सॉन्ग ऑफ योर्स चुरा लिया है. मतलब मुझे नहीं लगता एक भी इंसान था इस पूरे हॉल में या जहाँ पे भी जो थिरक नहीं रहा था, क्योंकि गाना ऐसा है कि यू कांट हेल्प बट मूव. डोंट यू थिंक सो? उस वक्त पता नहीं था कि it would have such a long shelf life and you sang it beautifully. Thank you ma'am. मैं ये really मानती हूँ कि आप, और चाहती भी हूँ कि आप बहुत दूर तक जाएं. I see you in the top 3. Congratulations. आपके माता पिता यहाँ हैं, बहुत मुबारक हो. आपका हीरा है जो आपकी बेटी, बहुत चमक रही है और आगे और चमकेगी. थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. देवस्मिता, इट वाज परफेक्ट. पूरी शिद्दत से खामी निकालने की कोशिश करूं, चांस ही नहीं है कि मिल जाए. यू रॉक दैट सो हार्ड. व्हाट अ सिंगर यू आर देवस्मिता. देवस्मिता, तुमने मौसम बदल दिया. ज़ीनत जी, हम बेवफा हरगिज ना थे सुनकर सैड हो गई थी. सैड की स्पेलिंग है SAD और उसका उल्टा है DAS, दास. इसीलिए अब गाने आएंगी शेजुती दास. एंड पापा शिवम. पापा शिवम. भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है. हाँ, ऐसा लगता है तुम बन के बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो. ऐसा लगता है तुम बन के बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं. बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं. ओ दिल ने पुकारा, देखो रुत का इशारा, देखो उफ़ ये नजारा, देखो कैसा लगता है. बोलो. ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मस्त पवन के ये झोंके से ना, देख रहे हो, देख रहे हो. ऐसा लगता है तुम बन के बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो. भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, जजेस, ये एक नॉन कम्पेटिटिव परफॉर्मेंस था. आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, आपका इतना दीवाना हूँ. मैंने आपकी इतनी सारी मूवीज़ देखी हैं और आपका एक गाना मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ. बहुत बार मैंने सुना है, हम दोनों दो प्रेमी. वो सॉन्ग मैंने इतनी बार सुना है और उसमें आप सारी में इतने ग्रेसफुल, इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं मैम। जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू मोमेंट होगा अगर वो मैं आपके साथ रिक्रिएट कर पाऊँ तो। Quickly creating a train. हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। क्या बात है। आपकी लाइफ की ड्रीम पूरी हो गई ना शिवा, अब आप आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। जीनी जी, फिल्म पुकार में रणधीर कपूर जी देश के लिए वेश बदलकर पार्टी में आते हैं, किसी को उन पर शक नहीं होता है, पर आप बार बार बच के रहना रे बाबा बच के रहना रे गाकर लोगों का उन पर शक जगा देती है। ऐसा क्यों किया आपने जीनी जी? क्या उन्होंने आपके घर पे आके घंटी बजाकर वो भाग गए थे? नहीं नहीं, वो तो अभिषेक बच्चन जी ने किया था। जी बिल्कुल, लेकिन ये डायरेक्टर साहब ने कहा था करने के लिए, दैट वाज द ओनली रीजन। नहीं, अब तो हमको ये अभिषेक की कहानी जाननी है। नहीं नहीं, ये लोग छोटे बच्चे थे और हम लोग पुकार की शूटिंग कर रहे थे और उन दिनों में भी स्टेइंग एट द फोर्ट अग्वाडा, तो ये बच्चे सब मिलकर गोल्डी, अभिषेक वगैरह तो आकर है ना घंटी बजा के भाग जाते थे मेरे स्वीट के दरवाजे का। और मैंने कहती थी, ढूंढती थी इनको कि है कहाँ, हो क्या रहा है। And no, there was nobody there. इसका बदला लिया आपने रणधीर कपूर जी से पिक्चर बेसिकली। चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, 14 फरवरी को, जिनके लिए दर्शन देगा उनका सीक्रेट दीवाना खाकर अयोध्या की इमरती, विद्युता चक्रबोर्ती। कुछ लफ्ज़ नहीं मिल रहे हैं. फर्स्टली तो ये दो ग्रेट मास्टर्स आर.डी. बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी. ओह माय गॉड. और आपने विद्युता क्या खूबसूरती से गाए हैं. बोथ द सॉन्ग्स वर सो मेलोडियस, सो ब्यूटीफुल. और आपकी आवाज़ इतनी मीठी है, इतनी सुर में है. और आपने थोड़ी इंडिविजुअलिटी भी डाली वैसे, थोड़े आपने अलग से लचक दी है ना. डोंट यू थिंक शी डिड अ ब्यूटीफुल जॉब. विदीप्ता आप सचमुच बहुत ही सुंदर हो. और जितनी आप सुंदर हो उससे ज़्यादा सुंदर आप गाती हो. विदीप्ता तुम में एक कंप्लीट परफॉर्मर है, एक सुपरस्टार परफॉर्मर है विद अ ग्रेट सिंगिंग टैलेंट. तो और क्या चाहिए. कंप्लीट एक फ्लॉलेस परफॉर्मेंस. कॉन्ग्रेचुलेशंस. इट वाज एपिक, इट वाज इनक्रेडिबल, इट वाज सुपर्ब, इट वाज फैंटास्टिक. रियली वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस. थैंक यू सर. थैंक यू. आप लोग इनकी आवाज़ की तारीफ कर रहे हैं बट इनकी खूबसूरती की भी सुना बहुत चर्चे हैं. यस पूनम जी, है ना. बिल्कुल पूनम जी उसी तरह चर्चे हैं जैसे आपकी खूबसूरती के चर्चे हैं. और जो अलग अलग डायरेक्टर्स आ रहे हैं इस शो पे, सब आप पे नज़र रख रहे हैं वैसे. मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब आपको फिल्मों में आना हो तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रगल्स भी होती हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं. तो अपॉर्चुनिटी जब आती है, अगर आपको शौक है तो आप ग्रैब कर लेना. क्योंकि मैंने एक्चुअली अपनी पहली दो अपॉर्चुनिटीज़ को ना बोल दिया था. तो मेरी जो पहली फिल्म आई थी त्रिशूल, मैं तब स्कूल में पढ़ती थी. और उससे पहले मुझे दो फिल्में ऑफ़र हो चुकी थी. यश चोपड़ा जी ने मेरी एक तस्वीर देखी थी और उन्होंने मुझे चंडीगढ़ तक जाके खोज निकाला था कि कहाँ पढ़ती है, क्या कौन हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं. तो वहाँ चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के एक आर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे बलवंत गार्गी जी. वो मेरे पेरेंट्स को जानते थे. एक दिन वो घर पर आ गए और उन्होंने कहा यश चोपड़ा जी आपको एक फिल्म में लेना चाहते हैं. तो ऑटोमेटिकली फैमिली बोले नो नो नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमारी फिल्मों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है. तो बट आई थिंक डेस्टिनी में लिखा था. यश जी ने बोला मैं दिल्ली में ही शूटिंग कर रहा हूँ, बॉम्बे आने की भी ज़रूरत नहीं है. और वहीं पे आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा छुट्टियों में, आपकी विंटर वेकेशन में. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. मैंने अपनी पहली फिल्म दिल्ली में शूट की एंड आई वेंट बैक टू चंडीगढ़ एंड आई जॉइंड माई +2. तब मैं 10th में थी एंड कॉलेज ज्वाइन किया. बट डेस्टिनी, उसके बाद मुझे नूरी के लिए बुलाया गया. मैंने कभी वापस आई नहीं बॉम्बे ये सोच के कि मैं करियर परसू करूँगी. सो दैट वाज माय जर्नी एंड आई होप यू गेट दैट ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव अ फैंटास्टिक जर्नी. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू विदिता, आपने मौसम बदल दिया. और अब पहली बार साथ में आ रही हैं 2020 रॉयल बंगाल शेरनियों का पावर लिए देबोश्मिता रॉय एंड सोनाक्षी कर. वाह। जजेस, ये एक नॉन कम्पेटिटिव परफॉर्मेंस था। क्या गाना है, क्या गाना है, और क्या गाया था इन्होंने स्क्रीन पे। ओहो। इन लोगों ने भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत गाया। ऑनेस्टली आप दोनों की आवाज़, सोनाक्षी और देबो, एकदम मिष्टी। थैंक यू मैम। लवली, लवली। पूनम जी कितनी खूबसूरत लग रही थी ना जीनत जी। Oh my God, आइकॉनिक। उनको देख के मतलब अभी भी कुछ कुछ होता है। सही कहा आपने। You're too kind, Poonam. You're too kind. No, honestly, I don't think anybody could recreate that magic on screen. अगर आपको ये मौका मिलता, पूनम जी, कि आपको दम मारो दम recreate करना होता। देखिए इतनी अमेजिंग ज़ीनत अमान ऑन स्क्रीन के बाद हमें करना पड़े। हम तो इनके सामने इनोसेंट बच्चे She was the lady with the actual style. I'm going to try. Please forgive me, but you are the inspiration. We're going to enjoy it. Tell you. Recreation था मैम। What fun that was, Zeenat. You're a gutsy girl. Thank you. Well done. अभी आपको भी gutsy होना पड़ेगा। मैंने हिम्मत जोड़ के आपका गाना किया, अभी आपको भी मेरा गाना। Zeenat जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Come on, ma'am. त्रिशूल में जब हुआ था पहली फिल्म, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, और यश जी ने उनको यू नो फिल्म के लिए ऑफर दे दी, लेकिन पहली फिल्म में मिस्टर बच्चन थे यार, द सुपर लेजेंड। और वो डायलॉग तो मैं आज भी नहीं भूल सकता है। वो डायलॉग तो मुझे लग रहा है कि पूनम जी अगर करके दिखा दें। ओह माय गॉड, कौन सा डायलॉग। मेरे पास मेरे बाप दादा की दौलत की एक फूटी कौड़ी नहीं है, और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो मेरी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद। और एक बात आपको बता दूं मिस्टर आर के गुप्ता, मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूँ और मेरी जेब में 5 फूटी कौड़ियाँ भी नहीं हैं मिस्टर आर के गुप्ता। समझ गए आर के गुप्ता। देखिए ये सलीम जावेद की आइकॉनिक फिल्म थी, एक एक डायलॉग, एक एक मतलब प्राइसलेस डायलॉग। दीनत जी, आपकी फिल्म डॉन का एक डायलॉग है, मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। अगर वो आपकी जुबानी आज हम सुन ले। अरे डॉन, यस, लेट्स गो। ओके मैम, हो जाए एक्शन। मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच जीनत जी, मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई। नवदीप इकड़े या लौकर ये ओ थे आप उतर, कितनी भाषाओं में बुलाओ। पूनम जी, जीनत जी, आपने आज तक कौन कौन सी चीज खोई है? जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी दाढ़ी से 3 हाथी और 2 हाइना मिले तो आपकी चीजें तो मिल ही जाएंगी। इनकी दाढ़ी से विनीत सिंह का 3रा चिन्ह मिल गया तो आपकी चीज तो मिल ही जाएंगी। इतनी चीजें इकट्ठा करने के लिए जिन्होंने डाकुओं जैसी दाढ़ी बड़ा डाली, नवदीप बड़ा ली। थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। Mabani da ba magare gare gare sa, mabani da ba magare gare sare ni sa, mabani da ba magare gare gare sa, mabani da ba magare gare sare ni sa, ni da re mabani sa ni pa ma re pa ma re sare ni da re mabani da, thare bina mohe chain na aave, thak 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 mata ji ghabrave। थारे बिना मोहे चैन ना आवे, धक 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 माता जी घबरावे। बोले बांसुरिया सुन ले सावरिया, सा 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 बोले बांसुरिया सुन ले सावरिया, थारे बिना मोहे कुछ नहीं भावे। पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया दे हो थारे बिना लागे ना है मारा जिया दे हो थारे बिना लागे ना है मारा जिया दे। बाबा धरना नहीं नहीं नी ना बाबा नी नी मामा बाबा रे मामा चल रे नी धक 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 सारे सारे मामा रे बाबा मामा नी नी पानी बताता मामा पापा नी नी चलदा नी जा मामा पापा नी नी चलदा नी जा मामा पापा नी नी जा पापा नी नी जा पापा नी नी जा नी नी जा नी नी जा Standing ovation by the judges, audience, contestants. नवदीप, आप एक बेहतरीन कलाकार हो। Thank you. और जब आप गाते हो, you sing for the love of music. Honestly, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला। I could listen to you live. You're too good, too good. Thank you, ma'am. Thank you. बदाली ब्रदर्स का मैंने लाइव नहीं सुना है बट उनके जो ये आज रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ माशाल्लाह। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही अच्छा। और एक्चुअली आई वाज लकी इनफ कि मैंने नुसरत फतेह अली साहब को भी लाइव सुना था। क्या बात है। तो आई एम रियली फीलिंग के एक और महान कलाकार आ रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैंने इस गाने के बहुत सारे वर्जन सुने हैं लेकिन आप जब भी कोई गाना गाते हो वो हमेशा नवदीप वडाली का ही वर्जन होता है। थैंक यू सर। बीच में सरगम जो इतने मतलब आइकॉनिक सरगम है कि बहुत अच्छा किया आपने। और फिर वो जो फ्लूट के साथ में जुगलबंदी की जी वो बहुत ही बेहतरीन था। थैंक यू सर। बहुत बहुत मज़ा आया मुझे। आई रियली एंजॉयड। ग्रेट जॉब। थैंक यू। जजेस नवदीप की परफॉर्मेंस पर स्कोर्स दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच नवदीप। एक बार हमारे इंडियन आइडल के सीजन 13 के टॉप 10 कंटेस्टेंट्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जनता, जजेस, कंटेस्टेंट्स, आपको याद दिला दूं कि पिछले हफ्ते के वोट्स को हमने कैरी फॉरवर्ड किया है इसीलिए आज डबल एलिमिनेशन होने वाला है। Oh my God. Oh no. और हमें मिल जाएंगे हमारे टॉप 8 कंटेस्टेंट्स। कल और आज के जजेस के स्कोर्स हमारे पास आ चुके हैं और उसके मुताबिक जो 3 लोग बॉटम में हैं, मैं जब आपका नाम लूंगा प्लीज स्टेज पर आ जाइएगा। पहला नाम है विनीत, दूसरा नाम है काव्य और तीसरा और आखिरी नाम है चिराग। पिछले 2 हफ्तों के क्यूमुलेटिव वोट्स के हिसाब से आप तीनों में से एक सेफ है। जनता ने सबसे ज्यादा वोट्स देकर जिस कंटेस्टेंट को बचाया है और टॉप 8 का हिस्सा बनाया है वो नाम है चिराग कोतवाल। कॉन्ग्रेचुलेशन चिराग, आप टॉप 8 में पहुंच चुके हैं। आप अपनी जगह ले सकते हैं। थैंक यू चिराग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई एम सॉरी विनीत, आई एम सॉरी काव्या। अनफॉर्चुनेटली इंडियन आइडल में आपका सफ़र यहीं ख़त्म होता है बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी म्यूज़िकल जर्नी यहाँ ख़त्म होती है। आपकी म्यूज़िकल जर्नी सिर्फ़ और सिर्फ शुरू हुई है और हम इंडियन आइडल की पूरी टीम की तरफ से आप दोनों का धन्यवाद कहना चाहते हैं फॉर दीज वंडरफुल ब्यूटिफुल परफॉर्मेंसेज एंड फॉर दीज वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल मोमेंट्स। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.